जब सचिन तेंदुलकर दादर जिमखाना में खेल रहे थे ना उनके साथ दो दोस्त और थे एक का नाम था अनिल गुरब और दूसरे का नाम था विनोद कांबली अनिल गुरब उसका शॉर्ट सेलेक्शन इतना बढ़िया था कि रमाकांत अचरेकर विनोद कांबली और सचिन को बोलते थे कि तुम इसको देखो इसको फॉलो करो और ये दोनों बोलते थे कि यार कितना बढ़िया शॉर्ट सिलेक्शन और फुटवर्क है इसका माइंड क्या चलता है उस समय एट द एज ऑफ सिक्सटीन

अपराधी गतिविधियों में चला गया घर पे पुलिस आने लग गई माहौल सब घर का खराब हो गया और वो धीरे धीरे पूछताछ के लिए उनको भी जाना पड़ा और अनिल गुरब का पूरा कंसंट्रेशन गेम से चला गया आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अनिल गुरब नाला सोपारा में एक 200 फीट की चाल में रहते हैं तो उन्होंने अपना खुद का नुकसान नहीं किया देश के सबसे बड़ी प्रतिभा का भी यानी सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि अगर अनिल खेलते तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिकेटर होते तो आप जब भी अपना कंसंट्रेशन अपना संगत और अपने संस्कार हटाते हैं ना तो आप अपना नुकसान नहीं करते हो आप किसका नुकसान कर रहे हो देश का नुकसान कर रहे हो दूसरा विनोद कामली आप सोचिए विनोद कामली एज इट इज सचिन तेंदुलकर जितने टैलेंटेड एज इट इज दोनों का टेस्ट मैच करियर चालू होता है आप सुनके करेंगे विनोद कांबली के नाम आज भी इन टेस्ट क्रिकेट चौदह पारियों में पहली बार है आज दिन तक है हाइएस्ट टेस्ट रन उसके सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी मारने में सेवेंटी नाइन इनिंग्स लगे थे और विनोद कांबली आते ही डबल सेंचुरी मारी थी पर सफलता जैसे ही आई वो पार्टी वार्टी में चालू हो और ये आदमी सर आप सोचिए जो आदमी हो सकता था आप ये सिर्फ ये आपको बताता है कि सफलता आपकी टैलेंट आपका एक दरवाजा खोल सकती है पर अगर आपके पास संस्कार नहीं है आपके पास अगर संगत नहीं है तो जीवन में दूसरी सफलता आपको नहीं मिल सकती तो जीवन में से आप संगत और संस्कार का ध्यान रखिए सचिन तेंदुलकर आपको बताता है कि आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपकी संगत जो है ना कभी भी नेगेटिव आदमी के पास मत बिठाइए नेगेटिव आदमी कम से कम 20 किलोमीटर तक मार करता है एक भी नेगेटिव आदमी को अपने पास मत बिठाइए नहीं हो तो अकेला रह लीजिए